अभी क्रिसमस आने वाली है तो उसके लिए हम सबके घर में केक बनती है, तो आज हम यहाँ पे ट्रेडिशनल प्लम केक बनाएंगे। वैसे प्लम केक की जो रेसिपी होती है वो हर घर की अलग-अलग होती है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरह से प्लम केक की रेसिपी शेयर करूँगी और इसे हम विदाउट एग और विदाउट ओवन बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए प्लम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। जब भी प्लम केक बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मात्रा में नट्स ऐड किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इतना रफली कट के बादाम, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच ब्लैक रेजेंस, 2 चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट, 2 चम्मच ब्लूबेरी, 2 चम्मच क्रैनबेरी और 3 चम्मच इतनी टूटी फूटी ली है। यहाँ पे आप नट्स की मात्रा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ले सकते हैं। अब बाउल में आधा कप जितना फ्रेश ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाला ऑरेंज जूस है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसे हम ऑरेंज जूस में सोक करेंगे करीबन 2 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी इससे सोक करके रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम इसीलिए सोक करते हैं ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो सॉफ्ट बन जाए और इसमें एक अच्छी सी फ्लेवर भी आ जाए, इसीलिए हमें इसे 2 घंटे के लिए तो सोक करना ही है। अब जब तक ड्राई फ्रूट सोक होते हैं तब तक यहाँ पे हम शुगर को कैरेमल कर लेंगे, तो उसके लिए पैन में 1/3 कप जितनी शुगर ऐड करेंगे और इसे हम इस तरह स्प्रेड करके ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें शुगर को मध्यम आंच पे कैरेमल करना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन जैसे बन के तैयार ना हो जाए। और ध्यान रहे कि इसे मेल्ट करते समय हमें इसे बीच बीच में मिक्स नहीं करना है स्पैचुला से, अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो जो सारी शुगर है वो स्पैचुला में चिपक जाएगी। तो यहाँ पे जो शुगर है वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है तो हम पैन को इस तरह मूव कर लेंगे। अब जो साइड्स में जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है तो इसे हम स्पैचुला से इस तरह मिक्स कर लेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि जो शुगर है वो धीरे धीरे अच्छे से मेल्ट होने लगी है। फ्रेंड्स, जब भी हम शुगर को कैरेमलाइज करते हैं तो इसे हमें ओवर कैरेमल नहीं करना है, अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका एक जो परफेक्ट कलर है वो भी आ गया है। अब इसमें हम 1/3 कप जितना पानी ऐड करेंगे, तो हमने जितनी शुगर ली थी उतना ही हमें इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो शुगर है वो पानी में अच्छे से पिघलने लगेगी, तो आप देख सकते हैं कि शुगर धीरे धीरे मिक्स होने लगी है। तो इसी स्टेज पे हम फिर से गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो सारी शुगर है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैरेमल वाटर मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, जो सारी शुगर थी वो अच्छे से मिक्स हो गई है, एक परफेक्ट कलर भी आ गया है। तो इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाउल में ठंडा होने के लिए रखेंगे। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में 1/2 कप जितनी पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें 1/2 कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो बिना फ्लेवर वाला ऑयल आता है उसका इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही ये मिक्स हो जाए उसके बाद हमने जो कैरेमल वाटर मिक्सचर बना के प्रिपेयर किया था इसे हम ऐड कर देंगे। अगर आप कैरेमल वाटर मिक्सचर बनाना नहीं चाहते तो उसकी जगह आपको 1/3 कप जितनी ब्राउन शुगर का इस्तेमाल इसी स्टेज पे करना है, 1/4 कप जितना दूध ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूसरी ओर जो हमारा ये नट्स है वो भी ऑरेंज जूस में अच्छे से सोक हो गए हैं, तो इसमें जो ऑरेंज जूस है इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे यानी कि निकाल देंगे और यहाँ पे ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसे हम मैदे से कोट कर लेंगे। तो मैंने 1/2 कप जितना मैदा लिया है, अभी हम इसमें 4 चम्मच जितना मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो ड्राई फ्रूट्स है वो केक में नीचे नहीं बैठ जाएंगे। बाकी का जो भी मैदा है वो हम रहने देंगे, इसे हम बाद में केक में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी 1/2 कप में से यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जितना मैदा बचा है तो इसे हम केक में इस्तेमाल कर लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, तो हमने 1/2 कप यहाँ पे जो मैदा पहले यूज़ किया था उसमें से जो 2 से 3 चम्मच जितना मैदा बचा है वो लिया है। अब इसमें 3 चम्मच जितना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच सिनेमन पाउडर और 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना नटमेग को ग्रेट करके ऐड करेंगे। नटमेग ऐड करने से ये जो केक है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है।
अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इसमें लौंग का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपको यहाँ पे पसंद है तो वो आधा चम्मच जितना आप इसमें डाल सकते हैं। ये जो केक है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और इसे खास तौर पे क्रिसमस में ही बनाया जाता है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को कोट करके रखा था वो हम बैटर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम कोई भी केक बनाते हैं और वो बैटर को हमें ज़्यादा मिक्स करना होता है तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है वो पहले से ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो हमने जो ऑरेंज जूस बचा के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली भी होनी चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ी भी होनी चाहिए। बैटर परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गया है तो इसमें हम 1.5 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 1/2 चम्मच जितना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो जब भी हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड करते हैं तो इसमें थोड़े से लम्स होते हैं, तो इस तरह हम इसे मसल के ऐड करेंगे या फिर आप इसे छान के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो ऑरेंज जूस रिमूव किया था ड्राई फ्रूट्स में से, उसमें से हमने सारा इस्तेमाल नहीं किया है, 1 से 2 चम्मच इतना ये बचा है, तो अभी हम इसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई है। लास्ट में हम इसमें 1/2 चम्मच इतना लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बैटर है इसे हम टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने टिन में पहले से ही बटर पेपर लगा के प्रिपेयर कर लिया है और यहाँ पे मैंने 7x7 इंच का जो टिन आता है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर नट्स और ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर लेंगे। अब इसे हम प्री हीटेड कढ़ाई में पैक होने के लिए रखेंगे, तो हमें यहाँ पे 10 मिनट पहले कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखना है और उसके बाद इसमें टिन रखना है। तो इसमें हम स्टैंड रख देंगे और उसके बाद हमारा जो टिन है वो प्लेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन ढक के इसे लो फ्लेम पे करीबन 60 से 65 मिनट के लिए बैक होने के लिए रखेंगे। अगर आप इसे ओवन में बैक करना चाहते हैं तो इसे प्री हीटेड ओवन में आपको 180 डिग्री पे इसे 50 से 55 मिनट के लिए बैक करना है। 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे केक को चेक कर लेंगे कि जो केक है वो परफेक्ट तरीके से बैक हुई है या नहीं। तो इस तरह हमें पहले टूथपिक को इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमारी टूथपिक एकदम क्लीन है, यानी कि जो केक है वो परफेक्ट तरीके से बैक हो गई है। अब हमने जो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड किए थे वो थोड़े से बैठ गए, तो हम फिर से इसके ऊपर इस तरह थोड़े से ऐड करेंगे और केक को हम 5 मिनट के लिए कढ़ाई में रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को बाहर निकाल दिया है और इसे 1 घंटे के लिए हम ठंडा होने देंगे। अभी जो केक है वो ठंडी हो गई है तो इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो नाइफ की मदद से हम इसकी जो साइड्स है वो पहले रिलीव कर लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी केक है वो परफेक्ट तरीके से बैक हो गई है। इसके ऊपर से हम बटर पेपर को भी रिमूव कर लेंगे। ये जो केक है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, तो आप इस क्रिसमस में इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब केक को हम कट कर लेंगे। इसे हमने विदाउट ओवन बनाया है, फिर भी जो ये केक है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट एंड जालीदार बनी है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।